एंड वी आर ऑल एबल टू हियर यू बिकॉज वी आर ऑल हियर टू हियर यू. ऑल राइट, तो हम हो चुके हैं लाइव. हम वेरीफाई करेंगे ताकि हमारी जनता को प्रॉब्लम ना हो कोई भी. तो क्विकली वेरिफिकेशन जब हम करेंगे उसके बाद प्रॉपर वेलकम करेंगे हमारी जनता का, प्यारी जनता का, क्योंकि जनता जनार्दन है और जनार्दन क्यों हम लगते हैं सर आंखों पर. जनादेश के साथ आगे बढ़ने वाले ही जिंदगी में सफल और कामयाब होते हैं. हाँ ये बात है. और वेरी nice. देश जनादेश के बिना अधूरा है. एग्जैक्टली सर, तभी डेमोक्रेसी की इतनी सारी रिस्पेक्ट भी है. तो ऑल राइट, वी आर लाइव, एब्सोल्युटली लाइव, और वेलकम टू द शो. हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, केम छो, नमस्ते, केड़ो वाले, वड़कम, वेलकम टू द 8th एपिसोड ऑफ द एस्ट्रोलॉजिकल सॉल्यूशंस विथ डॉक्टर पंकज नागर हिमसेल्फ एंड राम महाराजा. आपका स्वागत करते हुए नमस्कार 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 सभी सुनने वाले दर्शकों और मेरे श्रोतागण को तहे दिल से नमस्कार, धन्यवाद. बड़ी बड़ी मॉर्निंग में सुबह सुबह जल्दी जल्दी जुड़ने के लिए आप लोगों का दिल से शुक्रिया. और मैं आप सबको को बोलूंगा कि सबा खैर. शब्बा खैर. और जो भी हमारे साथ जुड़े हैं यूएस से उनको बहुत बहुत वेलकम, और जो भी जुड़े हैं इंडिया से और वर्ल्ड ओवर उनको भी बहुत बहुत वेलकम. खुशियां बेवजह चैनल इज ट्राइंग टू ब्रिंग यू खुशियां फॉर नो रीजन. जस्ट ट्राई एंड बी हैप्पी फॉर नो रीजन, बिकॉज इट इज सो सिंपल टू बी हैप्पी बट सो डिफिकल्ट टू बी सिंपल. एंड हमारी लाइफ सिंपल करने के लिए हम लाए हैं स्वयं डॉक्टर पंकज महाराजा को, जिन्होंने पंकज नागर जी को जिन्होंने क्या बात है. मैं भावनाओं में बह गया नागर साहब. अरे हमें महाराजा बन दिया, ऐसे बड़ी हम महाराज अगर बन सकते हैं, इससे बड़ी कौन सी बात है. तो जो प्रोवाइड करते हैं सोल्यूशन बड़े बड़े बॉलीवुड के सितारों को, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस को, वो आज हम लाए हैं आपके समक्ष. हमारी जनता जनार्दन उनके जो भी लाइफ में प्रॉब्लम चल रहे हैं उनको सॉल्व करने के लिए, हेल्प करने के लिए, डायरेक्शन देने के लिए, गाइडेंस देने के लिए, और टू मेक योर लाइफ बेटर, क्वालिटी ऑफ योर लाइफ बेटर. इसलिए हम ये शो करते हैं, आपके साथ ज्ञान बांटने की कोशिश करते हैं. और आज एक स्पेशल एपिसोड नंबर भी है डॉक्टर साहब, आज है 8वां एपिसोड. भैया शनि महाराज पधारे हैं. शनि महाराज शनि महाराज की जय हो. लेकिन डॉक्टर साहब मैं ये भी सोच रहा था, जैसे कृष्ण भगवान है, कृष्ण अष्टमी होती है, फिर हमारे हाँ. जब गुजराती में नवरात्रि होती है तो अष्टमी होती है, कृष्ण अष्टमी होती है, तो आठवां भी, जितनी भी अष्टमी होती है वो तो उसी दिन लोग उपवास रखते हैं. हाँ अष्टमी का एक बड़ा धार्मिक महत्व तो है ही. लोग बाग यही डर जाते हैं यार. क्यों? क्योंकि लोग डराते हैं, हम उनमें से नहीं है. हमारे शो का नाम है खुशियां बेवजह. तो मैं एक बात जरूर बोलूंगा, किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी की वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है. सीटी नहीं बजाऊंगा. अरे क्या बात है डॉक्टर साहब, आपके तो सुर बिल्कुल आज पक्के लगे हैं एकदम. और आपने तो मेरा फेवरेट गाना गा लिया जो मेरे दादाजी ने मुझे सिखाया था, तो इससे बेहतर शुरुआत क्या ही हो सकती है. थैंक यू सो मच. आप इतने ज्ञानी होने के साथ साथ एक बहुत ही बड़े आर्टिस्ट भी निकले. थोड़ा शो में ट्विस्ट लाने के लिए आर्टिस्ट बनना पड़ता है ना. हाँ ये शो है 3 घंटे का. तो डेफिनेटली शो मस्ट गो ऑन एज ऑलवेज एंड यू आर कंप्लीट. साथ साथ इतने ज्ञान के बाद जब इतने हंसी मजाक से आप करते हैं तो गहराई में उतरती भी है डॉक्टर साहब, और समझ में भी आती है, क्योंकि हमारे हमेशा जो फेवरेट टीचर रहे हैं वो वैसे ही रहते थे जो हंसी मजाक के साथ हमें सिखाते थे. अगर जो टीचर स्ट्रिक्ट हो जाते थे उस सब्जेक्ट से हमें नफरत होने लगती थी. या बिल्कुल सही बात है. तो आप हमें ऐसे टीचर मिले जिनके जिनके पास इतना नॉलेज होने के बावजूद आपने एक चाइल्ड लाइक क्वालिटी आपके अंदर जागरूक रखी है, तो आप हमसे कनेक्ट कर पाते हैं, हमारे हमारे लेवल पर आके बात कर पाते हैं, ये भी बड़ी बात है. तो हम ज्यादा आपसे सीख सकते हैं उस वजह से. और आज
अगेन आपके ज्ञान का हम फायदा उठाना चाहेंगे, लोगों तक पहुंचाना चाहेंगे। तो आज के लिए हम टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग लाए हैं डॉक्टर साहब, कि हम जब शुक्र के दिन करेंगे हम सोम की बात, सोम यानी कि मून, और बिल्कुल मून मून को कहते हैं कि इसका दिमाग से बड़ा रिलेशन है, मन से बड़ा रिलेशन है। कि हम जैसे पिछले एपिसोड में भी बात कर रहे थे कि लुनेटिक टर्म का भी एक एसोसिएशन है अलोंग विथ द फुल मून और द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द मून ऑन अर्थ और यहाँ की सिस्टम्स पे, और हमारा माइंड भी एक लिक्विड स्टेट में होने की वजह से हमारे माइंड पर भी इसका बहुत असर पड़ता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डॉक्टर साहब, इसके बारे में, मून के बारे, सोम यानी हमारे मून के बारे में, चंद्र के बारे में, बहुत ही अहम ग्रह है, इसके बारे में थोड़ा सा हाईलाइट दे दे। उसके बाद हम उसका कॉम्बिनेशन देखते हैं अलग अलग चीजों से क्या होता है, और मैं आपके चलो लिए थोड़े टफ सवाल लाया हूं। तो मैं सबसे पहले तो लोगों को पूछूंगा कि भाई चंद्र पे हावी होने वाले सबसे पहले इंसान कौन थे। तो मैं बताऊंगा, नील आर्मस्ट्रॉन्ग, ठीक है, 1969। सो ये यार वैसे तो चंद्रमा सबके मन पे भारी पड़ता है, हावी होता है, लेकिन ये बंदा अमेरिका वाला एक ऐसा था कि जिसने चंद्र पे अपना प्रथम चरण रख के अपने आप को गर्वित सम्मानित महसूस किया था। तो उस बंदे को आज के दिन जब चंद्रमा की बात चल रही है तो उसको बड़े दिल से, प्यार से, मोहब्बत से हमारी एक सैल्यूट, नील आर्मस्ट्रॉन्ग को। बराबर क्या है, बात, क्या स्ट्रॉन्ग बात है, था, क्या हाँ बात है स्ट्रॉन्ग था, बड़ा स्ट्रॉन्ग था। डॉक्टर साहब। मैं एक बात बताना चाहूंगा यहाँ पर आपको, कि यहाँ पर जाना हुआ था ह्यूस्टन में, हम गए थे वहां पर, और वहां पर नासा जो कि, भैया तो वहां पर उन्होंने एक पूरा ही डेडिकेटेड सिस्टम रखा है चंद्र को लेकर, और वहां पर वो रॉक लेकर आए हैं चंद्र से जो हाँ आप छू भैया सकते हैं। तो हाँ मैं एक वन ऑफ द फॉर्चुनेट इंसान रहा हूँ जो, मैंने एक व्लॉग भी बनाया था इस पे, हमारी चैनल पर है खुशियां बेवजह, जहां पर वी आर एबल टू टच द मून ऑफ द रॉक, रॉक ऑफ द मून, ऑफ द मून, यस रॉक ऑफ द मून। यार। सो ये बात सुन के कोई भी आदमी रॉक मूड में आ जाएगा, रॉक डांस करने लगेगा, बराबर है। हाँ वो टीचर है, इट और फ्राइडे के दिन वाज अ तो ग्रेट मोमेंट फॉर यू, आई मस्ट टेल यू। सो हाउ बी प्राउड एंड प्राइड फॉर यू दैट यू कुड टच दी रॉक ऑफ द मून। सो मन के पत्थर को स्पर्श करना एक बड़ी अजीबोगरीब दास्तान और अपने आप में बड़ी बात होती है जो आपने करके दिखाई। हम भी गए थे वहां पे, हमने भी विजिट किया था, लेकिन यार हम ये भूल गए कि यार उस चंद्रमा के पत्थर को छुआ जाए, लेकिन हम वो नहीं कर पाए थे। तो आप एक बड़े लकी आदमी हैं और लकी आदमी हमारे साथ आज बात कर रहा है, तो हम अपने आप में लकी महसूस करते हैं। लकी तो हूं मैं सर, क्योंकि आप मेरे से बात कर रहे हैं। हाँ, तो मन के बारे में, चंद्र के बारे में बताए सर आप। नील आर्मस्ट्रॉन्ग को तो हमने सल्यूट दे दिया, और चंद्र का इम्पोर्टेंस हमारी लाइफ में, मन का, जो मन कहते हैं बड़ा चंचल होता है, उसको संभाल के रखना हाँ पड़ता है, तो कुछ हाँ मन मन के का बारे में। हारा हार, मन का जीता जीत। हाँ तो ये बात तो है भाई, मन की बात करते हैं तो सीधा हमें ज्योतिष शास्त्र के जो 12 ग्रह हैं उसमें हमारा जो मन चाहा ग्रह है वो चंद्रमा है, क्योंकि उसके पीछे माँ लगता है। कोई चंद्रमा को चंद्रमा बोलता है, कोई उसको मामा बोलता है, कोई उसको फेमिनाइन प्लेनेट बोलता है, लेकिन बड़ा सॉफ्ट है, बड़ा दयालु है, बड़ा मायालु है, बड़ा प्रेम से भरा हुआ कोई ग्रह है तो वो चंद्रमा है। दूर से देखते हुए भी हमें लगता है यार कि हम किसी सुंदरी को पृथ्वी की तरफ से देख रहे हैं। हमारी अर्थ की तरफ से अगर कोई चीज हमें सौंदर्य का एहसास कराती है, अनुभूति कराती है, तो उस ग्रह का नाम है चंद्रमा। बल्कि मैं ये कहूंगा कि चंद्रमा ग्रह नहीं है, उपग्रह है, वो सब प्लेनेट है। और एक चंद्रमा जो पूरे 27 दिन के अंदर 12 राशि का भ्रमण पूर्ण करता है, 27 नक्षत्र का भ्रमण पूर्ण करता है, 12 स्थान का ग्रहण पूर्ण करता है और 12 प्लेनेट के ऊपर से निकलता है। इतना स्पीड में चलता है कि 2.25 दिन के अंदर एक राशि को वो
पूर्ण कर देता है। इतना स्पीडी प्लेनेट हमने आज तक कभी नहीं देखा। सबसे क्लोजेस्ट, सबसे हमारे नजदीक अगर कोई ग्रह है तो वो है चंद्र, जिसको हम मून बोलते हैं। तो मून है हमारे मन के साथ जुड़ा हुआ है, जो हमारी बॉडी की एनाटॉमी है ना, मतलब अंग शास्त्र, शरीर शास्त्र, उसमें एलन लियो ने ऐसा बताया है कि चंद्रमा जो है वो सीधा हमारे माजी सटकेल मून के साथ जुड़ा हुआ है। आता माजी सटकेल, चंद्रमा आता माजी सटकेल, अगर चंद्रमा गया तो माजी सटकेल। ये मून जो है वो हमारी, हमारे दिमाग की जो एक्सरसाइज है, हमारे मन के विचार है, हमारे मन के अंदर क्या थॉट्स चलते हैं, हमारा मन आगे का स्टेप कैसे लेगा, हमारा मन क्या कर सकता है, हमारी विचार की सोच को बदलता है, सोच को बढ़ावा देता है, सोच को कमजोर करता है। लेकिन ये सारी बातें हमारी कुंडली में कैसा चंद्रमा है, कौन से ग्रह के साथ बैठा है, कौन से स्थान के अंदर बैठा है, उसके ऊपर निर्धारित करता है। तो आए आप जो भी जानना चाहते हैं चंद्रमा के बारे में, हमें बड़ी खुले आम, बड़ी मतलब खुले दिल से पूछ सकते हैं, हमारे पास ज्ञान का भंडार है। चंद्रमा को सबके सामने पेशे खिदमत कर देंगे और उसकी कुछ अनकही अनसुनी बातें हम आपके सामने रखेंगे। क्या बात है डॉक्टर साहब। और जब मन की बात करते हैं तो कबीर जी को हम कैसे पीछे छोड़ सकते हैं, मेरे तो फेवरेट रहे हैं वो। मन पे उन्होंने बहुत कुछ कहा है, लेकिन एक जो उनका दोहा मुझे अभी याद आ रहा है, वो कहते हैं कि मन मारिया तन वश में कीना, हुआ भ्रम सब दूर, बाहर तो कछु देखत ना ही, अंदर चमके नूर, आपन त्याग जगत में बैठे नहीं किसी से काम, दोनों में कछु अंतर ना ही, चाहे संत कहो चाहे राम। दोबारा अनावर जो आप तो दोहे के सामने में मन की बात करूंगा, क्योंकि मन सीधा चंद्रमा से जुड़ा हुआ है और मन आदमी की, इंसान की प्रकृति होती है। रहीम भी क्या कहते हैं, जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, चंदन व्यापे नहीं लिपटे रहत भुजंग। यानी आपका मन अगर स्ट्रॉन्ग है ना साहब, चाहे कितने भी भुजन, कितने भी सांप निपट जाए, उसके बाद भी मैं लिपट जाए, लेकिन वो मन स्थिर रहता है, उसके मतलब स्वभाव के अंतर्गत उसके साथ मिक्स कभी भी नहीं होता है, उसका नाम ही बड़ा स्थिर और स्ट्रॉन्ग मन बोलता है। जिसके पास मनोबल है ना, उसके पास सब कुछ है, वो बाहुबली है, महाबली है, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। और चांद पे तो इतना कुछ कहा गया है डॉक्टर साहब, इतना रोमांटिसाइज किया गया है, इतने गाने बने हुए, स्पेशली चौदहवीं का चांद हो, जैसे चौदहवीं का चांद हो तो क्या मालूम, चाहता है उसे कोई चकोर। चलो बात करते हैं चंद्रमा की। चंद्रमा कब निर्मल होता है, सबसे पहले बड़ी बात करते हैं। आपकी कुंडली खोलिए, आपकी कुंडली के अंदर देखिए, अगर आपका चंद्रमा शनि महाराज से जुड़ा हुआ है, यानी कि कुंडली के अंदर शनि चंद्रमा की युति है, कंजक्शन है, एसोसिएशन है, तो वो आदमी हमेशा एक सुसाइडल टेंडेंसी डेवलप करता है। हाँ जी डॉक्टर साहब, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जहाँ पर हम जाने वाले थे, कि जब चंद्रमा का कॉम्बिनेशन होता है अलग अलग ग्रहों से, और उसका जो इम्पैक्ट होता है मानसिक विचारधारा पर लोगों की, और जिस तरीके से वो उनको इट मेक्स देम डू थिंग्स दैट जो अच्छी नहीं होती है, तो और आजकल तो मेंटल हेल्थ का इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस है हर चीज़ में, तो इसका आप रीजनिंग बताएं और इसका कोई सलूशन भी आप प्लीज हमारी ऑडियंस को दे। ऐसा है, जहां तक हमारा ज्ञान का व्याप विस्तार जो हमारी सोच को इस बात को लेके आगे बढ़ा रहा है, इट इज माय ओन रिसर्च, आप शास्त्रों में तो पढ़ ही सकते हैं, शनि जो है प्रकृति से बड़ा कष्टदायी, पीड़ा देने वाला और हमारे बुढ़ापे के साथ जुड़ा हुआ एकमात्र ग्रह है। वो बहुत ही धीरे धीरे चलने वाला एक प्लेनेट है ब्रह्मांड के अंदर, जो 2.5 साल के अंदर एक राशि पूर्ण करता है, यानी मतलब शने शने स्लो स्लो चलने वाला ये ग्रह अपने आप में पूरा, मतलब जो शनि का विस्तार है उसके अंदर जहर ही जहर भरा हुआ है।
गुजराती में जिसको बोलते हैं मोर थुथु, शायद आपने नाम सुना होगा। तो जी ये जो मोर थुथु नाम का जहर है, पुराने जमाने के अंदर तो आपने आए दिन सुना होगा कि जिन लोगों को सुसाइड करना है वो पानी के अंदर मोर थुथु को घोल के वो पी जाते थे और अपनी जिंदगी को खत्म करते थे। लेकिन आजकल वो अवेलेबल नहीं है। कुछ बातें मैंने ऐसी भी सुनी है कि शनि के अंदर थोड़ा सा पार्ट पोटेशियम साइनाइड का भी है। ये बड़ा 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 तेजो तर्रार जहर है। तो जब ये शनि जो अपने आप में पोटेशियम साइनाइड लेके बैठा है, वो जब मन के साथ यानी चंद्रमा के साथ कुंडली में जुड़ेगा तो उसके परिणाम आप ही सोच लो कैसे होते हैं। मन के अंदर विष भर देगा, मन के अंदर जहर भर देगा। जिस कुंडली में शनि चंद्र की युति होती है, एसोसिएशन होता है, वो इंसान शुरू से ही जन्म से ही बड़ा निराशावादी लाइफ जीता है। और उस निराशावादी लाइफ के अंदर से एक ऐसी नेगेटिविटी पैदा होती है कि चाहे उसके सामने अच्छी से अच्छी बात आ जाए लेकिन उसको नेगेटिव रूप से स्वीकार करता है। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, चंद दिन पहले की बात है, एक महाशय मेरे पास आए थे। उनकी कुंडली में चंद्रमा और शनि की युति थी, तो मैं देख के थोड़ा भड़क गया। उनके चेहरे पे शनि छाया हुआ था। बात लेके आए थे, पंकज भाई शेयर बाजार के अंदर मुझे करोड़ों का फायदा हुआ है। मैंने बोला बड़ी ये तो यार आपको अभिनंदित करने वाली बात है, कॉन्ग्रेचुलेशन देने वाली बात है, और आपके चेहरे पे तो शनि छाया हुआ, ये क्या बात है। लेकिन साहब बात ऐसी है कि मेरी जो टंग है जिसको हम जीभ बोलते हैं, हमारी वाणी का एक महत्व का स्थान है, उसके ऊपर एक छोटा सा अल्सर है। तो किसी डॉक्टर ने मेरे को बताया भैया ये अल्सर का ध्यान रखना वरना ये कैंसर में भी परिवर्तित हो सकता है। मैंने बोला भैया आप करोड़ों रुपया कमा के आए हैं और एक छोटे से ये अल्सर की आप चिंता करते हैं, ब्रिस्टर की, तो ये तो बात गलत है। आप अपने आप में रहिए, इस शनि चंद्रमा की युति को भूल जाइए। तो ये है मेरी अनुभव की एक बात कि लोक भाग जब इस प्रकार का योग उनकी कुंडली में होता है तो ज्यादातर पॉजिटिव होने की बजाय वो नेगेटिव एक्टिविटी के तरफ, सोच की तरफ ज्यादातर अपनी जिंदगी को व्यथित करते हैं। मतलब व्यथा अपने आप अपने अंदर भर देते हैं। ये कतई गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन आखिर तो बात करते हैं वो ढीला ढाला चंद्रमा, चंद्रमा को दूषित करने वाले शनि महाराज, शनि चंद्रमा की युति, यही एक नेगेटिव एस्पेक्ट है हॉरोस्कोप का, जो अच्छे से अच्छे आदमी को उसकी खुशियां, उसका स्माइल बेवजह छीन लेता है। और हमें यार है एक ऐसे ग्रह जो बेवजह खुशियां देते हैं, तो आए दूसरी जी बात करते हैं। एस्ट्रो स्माइल हो या खुशियाँ, बेवजह हम हमेशा खुशी की बात करते हैं, स्माइल की बात करते हैं, और हम चाहते हैं कि आप हमारे जितने भी दर्शक हैं, श्रोतागण हैं, उनके साथ पॉजिटिविटी फैले। इसीलिए डॉक्टर साहब अपना कीमती समय निकाल रहे हैं, हम ये प्लेटफॉर्म बना रहे हैं जाकर जहाँ पर लोग जुड़ सके। तो इसको सपोर्ट करने के लिए प्लीज हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, डॉक्टर साहब के चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा स्ट्रीम को। इसका कोई एल्गोरिदम होता है डॉक्टर साहब? ये मुझे अब पता चला कि जितने लोग देखते हैं वो जितना लाइक करेंगे वो ज्यादा रेकमेंड करता है लोगों को। तो ये सब चीजें हमें ध्यान में रखनी पड़ेगी। और जो भी लोग देख रहे हैं, जिनका जुड़े हैं, इतना ज्ञान ले रहे हैं, प्लीज एज अ टोकन ऑफ अप्रिसिएशन डू लाइक द स्ट्रीम, सब्सक्राइब इट एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल्स। डॉक्टर साहब की चैनल हमेशा पहले, उसके बाद हमारी भी। तो आप करिएगा और अपना सपोर्ट शो करिएगा। और ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है डॉक्टर साहब, जो आपने कहा कि लोग बहुत सारी पॉजिटिविटी में से कुछ नेगेटिव निकाल देते हैं। आज हमारा जब शो हो रहा था फनीशिया रेडियो पर यहाँ पर, तो हमने इसी टॉपिक को छुआ था कि कई बार ऐसा होता है, स्पेशली अमेरिका में लाइफ ऐसी हो गई है कि लोगों के पास सब कुछ होता है, भगवान की दया है कि घर, गाड़ी, पैसा, बीवी, बच्चे, हस्बैंड का, अब तो पेरेंट्स भी यहाँ पर आके रहते हैं, और फिर भी घरों में लोगों के दिलों के अंदर एक निराशा हो जाती है मन में छोटी सी। अशांति, हाँ, एक छोटी सी बात को लेकर वो 3-4 दिन तक घर पे एक अशांति वाला माहौल क्रिएट कर देते हैं। और जो बात एक्चुअली किसी को बताने जाओगे तो वो हंसेगा शायद, लेकिन अब जब आप बता रहे हैं तो ये रिलेट हो पा रहा है कि शायद ऐसा, अगर कोई करोड़ों जीतने वाला छोटे से अल्सर से टेंशन में आ सकता है, तो ये भी यहाँ पर पॉसिबल हो ये भी सकता है। यहाँ पे
एक दूसरा जोग संजोग कुंडली के अंदर ऐसा भी बैठता है जहां चंद्रमा अति निर्मल बनता है, जिसको हम गुजराती भाषा के अंदर, हिंदी भाषा के अंदर ग्रहण बोलते हैं, चंद्र ग्रहण बोलते हैं उसको। जब चंद्र से राहु जुड़ जाता है, राहु एक परछाई है, एक शैडो प्लेनेट है, उसको हम नॉर्थ नोड बोलते हैं। क्योंकि चंद्रमा का अगर सबसे बड़ा दुश्मन या शत्रु ग्रह कोई है तो राहु है। और राहु तो अपने दिल में रिवेंजफुल एटीट्यूड लेके बैठा है कि चंद्रमा को तो कभी मैं नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि वो वाली बात है, जब अमृत पान हो रहा था, जब विष्णु जी कुंभ के अंदर लोगों को अमृत बांट रहे थे, लेकिन उसमें सिर्फ और सिर्फ देवता लोगों को ही आमंत्रित किया गया था, हाँ लेकिन चोरी चुपके से ये अपने राहु महाराज सूर्य और चंद्रमा के बीच में जाके बैठ गए थे। क्योंकि वो सोचते, अगर मेरे को भी थोड़ा अमृत मिल जाए, फिर मैं सारे गांव की पथारियां एक एक बार घुमाऊंगा और सब लोगों को ऐसे मतलब सबक सिखाऊंगा कि लोग पूरी जिंदगी भर याद करते रहेंगे कि यार राहु जैसा कोई दानव है ही नहीं। और वो हुआ, वही क्या हुआ कि जब विष्णु भगवान अमृत बांट रहे थे तो राहु महाराज ने भी अपना हाथ आगे कर दिया और थोड़ा सा चाट गए, लेकिन सूर्य और चंद्र ने बता दिया कि ये राहु नाम का दानव बीच में आ गया है, तो भगवान ने उसका शिरोच्छेद कर दिया। एक तरफ उसका शिर गिरा और दूसरी तरफ उसका धड़ गिर गया। एक को बोलते राहु, दूसरे को बोलते केतु। यही राहु अपने आप में एक बदले की भावना लेके, चंद्र के प्रति एक बदले की भावना लेके सालों से बैठा हुआ है, और जब वो चंद्रमा से जुड़ता है तो चंद्रमा को वो छोड़ेगा क्या? नहीं, हाँ एक्लिप्स बोलते हैं उसको। बस राहु जब चंद्रमा से जुड़ता है तो चंद्रमा का तेज जो है उसको ग्रह लेता है, उसको निगल जाता है, और चंद्रमा का जो अस्तित्व है उसको नेस्त नाबूद कर देता है। चंद्रमा नाम की कोई चीज कुंडली के अंदर वो रहने ही नहीं देता है। अब मैंने पहले भी बोला, अभी चंद्र तो हमारा मन है, अगर मन पे राहु हावी हो गया तो फिर तो बाहुबली भी राहुबली हो जाएगा। अरे क्या सही बात कही है। तो ये भी एक ऐसा जोग संजोग कुंडली के अंदर है कि जिन जातकों की कुंडली के अंदर अगर राहु और चंद्रमा साथ में बैठे हैं, वो मन से बड़े निर्बल होते हैं, और ऐसे लोग का डिसीजन पावर बहुत कमजोर होता है। जब डिसीजन पावर कमजोर बनता है तो वो अपनी निर्णय शक्ति के अभाव से जिंदगी के अंदर सही मायने में सही वक्त पे टाइमली डिसीजन नहीं ले पाते हैं, और उसी वजह से पूरा जीवन वो दुखी दुखी रहते हैं और मन के अंदर अशांति छाई रहती है। मैंने आपको दो एक ऐसे योग बताए, एसोसिएशन बताए, कंजक्शन बताए, जहां पे शनि चंद्र गए काम से, जहां पे राहु और चंद्र है गए काम से, ऐसे बहुत सारे योग कुंडली के अंदर है जो चंद्रमा को निर्बल करते हैं। चंद्रमा जब 10 के अंक के आगे होता है, यानी मकर राशि के अंदर होता है, तो वो जातक भी बड़े परेशान रहते हैं, क्योंकि वहां पे चंद्रमा अस्त का हो जाता है। चंद्रमा जब वृश्चिक राशि के अंदर बैठता है, मिस्टर राम आपको याद होगा गुजराती में जिसको बोलते हैं कि विछुड़ो आयो, लेकिन शुभ कार्य विछोड़ो करने का नहीं है, बरोबर। लेकिन नाम ऐसा स्कॉर्पियो है यार, बिच्छू का डर लगता है हमें, बोलते हैं बिछुड़ो आयो, कोई भी शुभ काम करने का नहीं है, कितने दिन चलेगा बिछुड़ा? तो बोले 2 दिन चलेगा, तो बिछुड़ा में काम नहीं करवानो भाई, आज वो राखी दे जो, लग्न नहीं करवाना, प्रेम नहीं करवानो, कथा नहीं करवानी, वार्ता नहीं करवानी, कुछ भी नहीं करने का। ये क्या हो गया यार, लोगों के दिमाग में बिच्छू ऐसा बैठ जाता है। देखो बिच्छू है ना, जो जमीन पे घूमता है अपने आप, बड़ा सा जहर लेके घूमता है, वो काटता है, उससे बचने के अनेकों नेक उपाय है, लेकिन अगर मन के अंदर बिच्छू बैठ जाता है तो उसको निकालना तो बड़ी मुश्किलात बात है। तो हम बोलते हैं जब चंद्रमा खराब होता है तो बिच्छू होता है वो मन में जाकर बैठ जाता है। इसलिए अपने चंद्रमा को बलिष्ठ कीजिए, उसको महाबली बनाइए, उसको बाहुबली बनाइए, उसको स्ट्रांग बनाइए, तो अपनी जिंदगी को अच्छी तरह आप रूल कर पाएंगे, गवर्न कर पाएंगे, अपनी जिंदगी पर एक राजा की तरह साम्राज्य कर पाएंगे। इसलिए चंद्रमा बलवान होना कुंडली के अंदर अति महत्व की बात है, एक
दैट इज बोलते हैं कि एक एसेंशियल पार्ट ऑफ द हॉरोस्कोप दैट द नेटिव मस्ट हैव द स्ट्रॉन्गेस्ट मून इन द हॉरोस्कोप, जैसे नील आर्मस्ट्रांग का था, महाराणा प्रताप का था, बहुत सारे लोग हैं, शिवाजी है हमारे, श्री नरेंद्र भाई मोदी है, इन लोगों के चंद्रमा इतने बलिष्ठ और बलवान है कि पूरी दुनिया को अपनी मुट्ठी में लेके घूमते हैं। और वही तो जिंदगी है यार, कि कर लो आसमान अपनी मुट्ठी में, लेकिन ये कब हो पाएगा आसमान में घूमने वाला चंद्रमा, जब आपकी मुट्ठी में आ जाए। क्या बात है डॉक्टर साहब, इसमें आपने इंटरेस्टिंग बात कही कि बिछुड़ो होता है और उसमें शादी ना करे, तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि क्या शादी करने का कोई सही टाइम होता है? शादी करने का सही टाइम, पहले तो ये बताऊंगा क्या शादी सही बात है। तो सही सही नहीं सही। नहीं कभी नहीं जी डॉक्टर साहब, लेकिन अभी हम बात करें, आपने बड़ा ही ज्ञान दिया, ये अच्छी बात है। और मैंने हमने नोट किया है कि कई जैसे आपने सुसाइडल टेंडेंसी बताई, तो चाहे वो डिप्रेशन हो और कुछ चीजों में ऐसा भी होता है कि हम देखते हैं कि ये बच्चों के छोटे ही बचपन से उनके साथ हो जाता है कि ऑटिज्म जैसी बीमारी कोई होती है जो मानसिक होती है, या फिर कोई मानसिक बीमारी हो जाती है, क्या इसका भी रिलेशन है चंद्र से? बिल्कुल सीधा, आप कोई भी कुंडली लेके आइए मेरे पास, अगर कुंडली के अंदर वृश्चिक राशि के अंदर यानी राशि नंबर 8 इसको स्कॉर्पियो बोलते हैं, या तो राशि नंबर 10 यानी उसको बोलते हैं कैप्रिकॉन इंग्लिश में और गुजराती में बोलते हैं मकर राशि, अगर ये दोनों राशि के अंदर कुंडली के अपर पार्ट के मतलब ऊपर वाले हिस्से के अंदर कुंडली के अगर चंद्रमा के साथ केतु जुड़ता है और उसमें शनि भी जुड़ता है और खास करके प्लूटो जुड़ता है, यानी कुंडली के ऊपर वाले हिस्से में वृश्चिक या मकर राशि के अंदर यानी स्कॉर्पियो और कैप्रिकॉन राशि के अंदर चंद्रमा के साथ केतु शनि और प्लूटो जुड़ता है, तो ऐसे बच्चों को स्वलीनता नाम का रोग होता है। स्वलीनता का इंग्लिश होता है ऑटिज्म। बच्चे के हाव भाव, उसकी हरकतें, उसका एटीट्यूड, उसका बिहेवियर इतना हमें दुख देता है, इतनी पीड़ा देता है कि हम तो भगवान को आज के दिन प्रार्थना करेंगे कि हे प्रभु बच्चों के साथ अन्याय मत करो, बच्चों को एक सही मायने में एक सही रूप के अंदर उसको इस जगत पे पैदा करो, क्योंकि बच्चे मन के सच्चे और बच्चे ही भगवान का रूप है, तो भाई भगवान जी आप अपने ही रूप को क्यों पागलपन दे रहे हैं, क्यों ऑटिज्म देते हैं, क्यों मंगोल बनाते हैं, क्यों पागल बनाते हैं, अरे कम से कम मन पे तो कृपा कीजिए भगवान जी, आप ही राम है यार, राम जी आपको मैं प्रार्थना करता हूँ। मेरा बस नाम राम है सर, आपके सारे गुण है राम वाले। तो आप ही बताएंगे क्योंकि आप ही हैं यहाँ पर, तो आपसे हम ज्ञान लेते हैं, तो डेफिनेटली आपने ये बताया। एक और हम एक कॉल लेते हैं सर, हम काफी आपने ज्ञान शेयर किया, लेकिन एक बीच में कॉल लेते हैं, फिर हम थोड़ा और ज्ञान की तरफ बढ़ेंगे, तो अगर आपकी इजाजत हो तो एक कॉल ले सकता हूँ, इन्होंने सबसे पहले कॉल कर दिया था। डेफिनेटली, तो यस दिस इज खुशिया बेवजह एंड डॉक्टर पंकज नागर, वेलकम टू द शो विथ राम। आप बताए अपना सवाल, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और सवाल। हेलो, आप हमें सुन पा रहे हैं? शायद फोन साइड पे रखे आपकी बातों में उलझ गए हैं डॉक्टर साहब, और शायद ये यूट्यूब पे थोड़ा डिले हो रहा है इनको, तो ये बता नहीं पा रहे, काफी टाइम से ये वेट कर रहे थे। लेकिन अभी जब हम चंद्रमा की बात कर रहे थे और मानसिक विकारों की बात कर रहे थे, तो चंद्र और हमने राहु की बात की, बट क्या केतु के साथ जो उसका कॉम्बिनेशन बनता है, तो क्या उसका भी कोई अलग तरीके से होता है इम्पैक्ट? चंद्रमा और केतु सब साथ में बैठते हैं, केतु को हम अपनी भाषा में श्मशान का ग्रह कहते हैं, वो आपको जिंदगी भर अकेला छोड़ देता है, आइसोलेशन देता है, लॉन्लीनेस देता है, एकांतवास देता है, जेल की तरह आपकी परिस्थिति का निर्माण करता है। तो ये केतु जब चंद्रमा से जुड़ता है तो किसी भी आदमी को एक ऐसे प्रकार के डिप्रेशन के अंदर डाल देता है, और उस डिप्रेशन के साथ एक आदमी को जीने के लिए काफी मेहनत करनी पड़ती है।
और ऐसे लोगों को मैंने देखा है कि साइकेट्रिस्ट के पास जाना पड़ता है, उनको मानसिक एक्सरसाइज करनी पड़ती है, उनको काउंसलिंग देना पड़ता है, मेडिसिन देनी पड़ती है, तब जाके वो रात को अच्छी तरह सो पाते हैं और दिन में लोगों के साथ अच्छा व्यवहार कर पाते हैं। ये चंद्रमा और केतु की एक कॉम्बिनेशन की एक नेगेटिव बात है। करेक्ट, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, और बताने के लिए। हमारे साथ वो कॉलर जुड़ चुके हैं, और जो भी हमें सुन रहे हैं, अगर आपका कोई सवाल है तो प्लीज हमें कॉल कर सकते हैं। आप व्हाट्सएप का नंबर है 214-403-9271, और ये US नंबर है, तो आप आगे +1 लगा दीजिएगा अगर आप व्हाट्सएप में कॉल कर रहे हैं कहीं और से। तो यस मैम, दिस इज खुशियां बेवजह एस्ट्रोलॉजिकल सॉल्यूशंस, वेलकम टू द शो विथ राम एंड डॉक्टर पंकज नागर जी। बताएं आपका सवाल। हेलो, 5 जनवरी 2009 5 जानुआरी 2009 सवारे 3:05 सवारे 3:05 અને જન્મસ્થળ અમદાવાદ અમદાવાદ ઓકે અને સવાલ અને અબાઉટ સ્ટડી એન્ડ ફ્યુચર इनका सवाल है सर, स्टडी और फ्यूचर के बारे में। सबसे पहले बहन जी को ये पूछिए, जिस बच्चे की बात कर रहे हैं वो बच्चे को 2018-19 में कोई परेशानियां, कोई दिक्कतें, कोई मुश्किलात, हालात, ऐसी कोई स्थितियों में से वो बच्चा गुजर चुका है या मेमोरी में कोई कमजोरी आई हो? मैम, आप जिन बच्चे की बात कर रहे हैं वो 2018-19 में किसी डिफिकल्ट परिस्थिति से गुजरे हैं, मेंटली उनमें कमजोरी आई हो, ऐसा कुछ? जी सर, जी सर, वो थोड़ी वो जल्दी नाराज हो जाती है, उसको किसी से बनती नहीं है, पता नहीं गुरु राहु का चांडाल हो गए, वो स्टडी में भी कभी कभी कितना भी करती है वो आगे नहीं बढ़ पाते। ओके जी, तो डॉक्टर ये पंखी पंकज ने हमारे सामने है, सूर्य उनका तीसरे भाव के अंदर है, चांडाल योग जैसे उन्होंने बताया, वो यहाँ पे बिल्कुल अपने रूप में नेगेटिविटी के साथ हाजिर है। उनको बोलिए कि भाई ये केस थोड़ा दिमागी तौर पे काफी कमजोर नजर आता है, चंद्रमा भी विचलित हो चुका है, गुरु जो एजुकेशन के लिए बड़ा महत्व का ग्रह है वो भी विचलित हो चुका है, तो दोनों ग्रह जब चंद्रमा और गुरु दोनों जब अपना बल खो देते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि किसी भी युद्ध के अंदर राजा और सेनापति नामर्द हो जाते हैं तो युद्ध जीतना काफी मुश्किल बात हो जाती है। तो उन्हें कहिए कि अपने अपनी बच्ची के लिए और जानकारी के लिए, या तो आपने जो नंबर दिया है, आपने जो YouTube की बात की है, आपका जो Facebook अकाउंट है, आपका जो भी नंबर है वहां पे संपर्क कीजिए, या हमारे साथ सीधी बात कीजिए तो हम कुछ इसका हल निकाल पाएंगे। अगर इसी बात को रबर की तरह वो खींचते रहेंगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि ये बात उन हालात तक पहुंच जाएगी जिसको हम बदतर हालात बोलते हैं। तो हमारी शुभकामनाएं तो इस बच्चे के साथ है, क्योंकि बच्चा है, भगवान का स्वरूप है, इसीलिए हम अपने आशीर्वाद तो इस शोक के अंदर बनाए रखेंगे। थैंक यू डॉक्टर साहब, आपने बताया। मैम, आपके सवाल का डिटेल में जवाब दिया है डॉक्टर साहब ने, प्लीज़ आप सुन सकते हैं यूट्यूब पर दोबारा पढ़कर। लेकिन देर इज़ हाईली रिकमेंडेड कि आप पर्सनली उनका एक अलग से वन ऑन वन सेशन कराएं डॉक्टर साहब के साथ, ताकि वो डिटेल में इसका आपको सोल्यूशन बता सकें। थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल, थैंक थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। यू। और क्या ही बात है डॉक्टर साहब, आपने इतना गहराई से बताया। और देखिए, हम आज बात कर रहे थे मानसिक विकारों की, और एक ऐसी ही कुंडली हमारे सामने आ गई जो इट वाज रिलेटेड विथ मेंटल वीकनेस, या फिर इलनेस, या फिर जो भी हम कह रहे कि योग बना हुआ है वहां पर। एक और हमें कॉल आ रही थी जो कट गई है, लेकिन हम एक कमेंट में से एक लेते हैं सर सवाल। इनका नाम है सागर भाई, और इनकी डेट है 1/12/94, दैट इज 1 December 1994, एंड टाइम है 9 AM, सुरेंद्र नगर, गुजरात। परेशानी ये है कि अब तक शादी नहीं हुई, कोई उपाय बता दीजिए, शादी कब तक होगी? देखिए, मैंने कुंडली तो रखी है, इसमें शनि महाराज 11वें अंक के आगे हैं और सूर्य और शनि की जो स्थिति है
ये दोनों का मेल जोल कुंडली के अंदर कुछ ऐसा नेगेटिव बन पड़ा है कि जिसको हम बोलते हैं कि शादी के मामले में, यानी शादी के सप्तम भाव के अंदर एक बड़ा जहर भरा पड़ा है। तो अभी तक शादी नहीं हुई है, अच्छा है। मैं तो भगवान से प्रार्थना करूंगा कि जितनी देरी से आपकी शादी होगी उतना सुगुण और सुख आपके जेब में रहेगा, आपके दिल में रहेगा। जिस दिन आपकी शादी हो जाएगी उस दिन आपके क्वेश्चन, जो आज एक क्वेश्चन है, आप 10 क्वेश्चन लेके इसी शो के अंदर पधारेंगे और बड़े दुख के साथ पधारेंगे कि पंकज भाई, डॉक्टर पंकज नागर, कुछ उपाय दिखाइए, हम बर्बाद हो चुके हैं। तो भाई साहब, मैं आपको बोलूंगा, आप तो हमारे बच्चे की तरह है। अब आपकी बात तो है कि भी कब शादी होगी, क्योंकि आप शादी के लिए उतावले हो रहे हैं। कुछ कम लोग इस जगत के अंदर ऐसे होते हैं जो कमजोर चीजों के लिए उतावले होते हैं, लेकिन शादी एक ऐसा मामला है जिसमें हर कोई इंसान इस कमजोरी के साथ बड़ी उतावलपन से जुड़ना चाहता है। तो बोले भाई, जुड़े रहिए। आपकी मैं प्रिडिक्शन देता हूं, इस 12 नवंबर 2023 से 25 दिसंबर 2024 के बीच आप नरकस्त हो जाएंगे, यानी आपकी शादी हो जाएगी, चिंतित मत होइए। कोई उपाय की डॉक्टर जरूरत नहीं इनको। साहब, डॉक्टर साहब, आप अपने हमारे शो के साथ साथ इतना सच्चाई भी आप इतने कॉमेडी तौर पे बताते हैं कि दिल पर लग जाती है बात जाकर, क्या ही बात है। ठीक है, जैसे इसमें एक जोक मुझे याद आता है, डॉक्टर साहब अभी हम गए थे शो देखने के लिए यहाँ पर, सुनील ग्रोवर साहब का, तो वहां पर वो कहते हैं कि कब पता चलता है कि बुढ़ापा आ जाता है, तो उसका जवाब देते कि जब अगर अपनी ही बीवी से प्यार होने लगे तो समझो बुढ़ापा आ गया। क्या बेहतरीन बात बताइए, एक जबरदस्त तो एक और कॉल लेते हैं डॉक्टर बात साहब। जी हाँ, दिस इज खुशियां बेवजह चैनल, दिस इज राम एंड पंकज नागर जी ऑन द कॉल फॉर योर सर्विस। बताए अपना टाइम ऑफ बर्थ एंड योर क्वेश्चन एंड डेट ऑफ बर्थ। बताइए। यस हेलो, यू आर ऑन एयर। हेलो, यस, टाइम ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ एंड योर क्वेश्चन। 17th May 1972 17th May 1972। एक सुबह 8:37 आठ बजकर 37 मिनट सुबह, जामनगर गुजरात। जामनगर गुजरात। ओके, आपका सवाल क्या है? उल्ली उनके हाथ में है क्या, पूछिए। आपकी समस्या है कि कभी मेरा बिजनेस चालू नहीं हो रहा है, पैसे का बहुत प्रॉब्लम है। बिजनेस चालू नहीं है, आपकी कुंडली क्या आपके हाथ में है? नहीं, डाल जाएगी, मेरे बाजू में ही है, मैं घर पे ही हूँ। ओके, जी हाँ, वो ले रहे हैं डॉक्टर साहब कुंडली हाथ अच्छा में, शायद अभी हैंडी नहीं है, बट उनका क्वेश्चन है कि बिजनेस स्टार्ट नहीं हो रहा है उनको, आई थिंक पैसे नहीं है की। कुंडली, लेकिन आपकी कुंडली के अंदर आप देख लेना कि आपकी कुंडली के अंदर सूर्य और शनि की युति है। द कॉम्बिनेशन ऑफ सन एंड सैटर्न, दो के अंक के आगे सूर्य महाराज बैठे हुए हैं, शनि महाराज उनसे जुड़े हुए हैं। तो ये भाई साहब जो है ना 72 वाले, वो अभी तक अपनी लाइफ में कभी भी सफल नहीं हो पाए हैं, क्योंकि उनका धन स्थान बहुत ही कमजोर है। और इस कमजोर धन स्थान की वजह से और शापिनी दशा की वजह से इन्होंने पैसों के हिसाब से, धंधे व्यवसाय के हिसाब से काफी दुख झेले हैं। तो उन्हें बताइए कि भी ये कुंडली काफी कमजोर है, अतः अभी 3-4 साल तक धंधा न करें, बाद में हम सोचेंगे। लेकिन उससे पहले इस कुंडली का अच्छी तरह मुआयना कराइए, इस कुंडली की पीच को बैट पछाड़ पछाड़ के उसको, उसका इंस्पेक्शन कीजिए, बाद में गेम की शुरुआत कीजिए, वरना मारने जाएंगे छक्का लेकिन हो जाएंगे कैच, कैच आउट हो डॉक्टर जाएंगे। तो हम चाहते हैं कि भाई ये कुंडली का अच्छी तरह निरीक्षण किया जाए, बॉटम लाइन से इसका निरीक्षण किया जाए, और बाद में हम इस कुंडली के बारे में बहुत सारी बातें बता पाएंगे। मिस्टर राम से आप जुड़िए, उनसे बात कर लीजिए और अपना कुंडली का निदान अच्छी तरह करवाइए, या हमसे जुड़िए और कुंडली का निदान करवाइए, बाद में ही जाके हम आपको कुछ उपाय बता पाएंगे। तब तक भाई साहब के लिए, शायद उनकी पत्नी ये सवाल कर रही है, मुझे लगता है ऐसा है, तो उन दोनों के लिए मेरी बहुत सारी ढेर सारी इस शो के दौरान शुभकामनाएं।
जी थैंक यू डॉक्टर साहब। और हमारे साथ कुछ कॉलर्स जुड़ रहे हैं, कॉलर्स जो भी जुड़ रहे हैं वो ध्यान रखें कि YouTube पे जो आप लाइव देख रहे हैं वो थोड़ा सा डिले होता है, तो जब आपकी कॉल लग जाती है और हम उठा लेते हैं तो प्लीज लाइन पे बने रहिए, ताकि हम जब आपसे सवाल पूछे तो फोन पे बात कीजिए, आप YouTube ना देखें क्योंकि वहां पर थोड़ा 30 सेकेंड का डिले होता है, तो उससे हमारा फ्लो खराब हो जाता है। तो प्लीज आप कॉल पे बने रहिए, अगर आपका कॉल उठा दिया गया है तो कॉल पे आप सुनते रहिए, यूट्यूब ना सुने, ताकि कॉल पे आप का सवाल हम अच्छे से सुन सके और आपको जवाब दे सके, और जब जवाब देते तो आप प्लीज उसको ऑनलाइन सुन सकते हैं यूट्यूब पर वापिस जाकर। और चैनल्स को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अभी जैसे हमने कॉल उठा ली है तो हेलो, दिस इज खुशियां बेवजह, यू आर लाइव ऑन एयर विथ डॉक्टर पंकज नागर एंड राम, आपका सवाल पूछे प्लीज। 15/7/1977 सवारे 4:15 मेहसाणा। ओके, बिजनेस में सेटलमेंट नहीं हो रहा, मतलब सेटलमेंट नहीं हो रहा है, बिजनेस में सेटलमेंट नहीं हो रहा है सर इनका। बोलिए उनके हाथ में, आपके हाथ में कुंडली है आपकी, आपके तमा कुंडली छे तमा। ओके, हाँ तो आप देख लीजिए कि सूर्य और शनि दोनों आगे पीछे हैं क्या? सूर्य और शनि आगे पाछल छे, सूर्य ने चंद्र भेगा पड़ेला छे, सूर्य चार नंबर मा छे, એટલે મનક જોતા चार नंबर मा छे, जन्म चार नंबर मा छे, चार नंबर बुध ने शुक्र पड़ेला छे, चार नंबर मा, त्रण नंबर मा बुध ने शनि, सॉरी बुध ने शनि पड़ेला छे, त्रण नंबर मा। हां वही तो मैं बता रहा हूं आपको। करेक्ट, तो डॉक्टर साहब वही बता रहे हैं, हवा में बातें करते हैं, आप अपनी कुंडली हाथ में लेके बैठे हैं फिर भी बताओ रहे यार सही बात नहीं बताते हैं। तो मेहसाणा वाला भाई चम ओम करो सो यू नो हाल है, समझे ना भाई? तो मेहसाणा वाले हमारे परम मित्र, हम भी आपके बाजू के गांव के लोग हैं विसनगर के, तो हमें आपकी ये दर्दनाक कुंडली के लिए हमारे दिल के अंदर भी एक ऐसा दर्द हम महसूस कर रहे हैं कि आपके काम नहीं हो पा रहे हैं। तो आप एक काम कीजिए, ज्यादातर तो हम लोगों की कुंडली में उपाय नहीं दिखाते हैं, लेकिन आप मेहसाणा वाले हैं तो इस पूरे शो के अंदर आपको सबसे पहले उपाय दिखाएंगे, क्योंकि कुछ उपाय ऐसे होते हैं जो यहाँ पे बताने से आपकी पर्सनल लाइफ को भारी नुकसान पहुंचता है। अब इस भाई साहब को बोलिए कि हर शनिवार के दिन हनुमान जी के मंदिर जाइए, लाल दौरे के अंदर 21 लौंग की माला बांध के हनुमान जी के मस्तक पे चढ़ाइए, आपकी सारी समस्याएं पूर्ण हो जाएगी, हनुमान जी गदा लेके आपके बुरे योग पे प्रहार करेंगे और आप सुखी हो जाएंगे। हाँ क्या बात है सर, प्रभु मुद्रिका मिली मुख माही, जल्द लांग गए अचरज नाही, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। हाँ तो सर आपका जवाब दे दिया है डॉक्टर साहब ने, आप यूट्यूब पे वापिस रिवाइंड करके देख सकते हैं, आपका सोल्यूशन भी बताया डॉक्टर साहब ने, तो तमें सांभर जो थोड़ो रिवाइंड करीने, बट योर क्वेश्चन हैज बीन आंसर, थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। और तमें चैनल सब्सक्राइब करी के नहीं? हाँ करती सर, पहला हमें मुडू अलग अलग करी सर, तमें थोड़ी ऑगरियो अलाओ आऊ ना चालो को है तमार घरे मोकली पड़े बीजा बताने अने यवनम चोर हो सो यवनम चोर हो सो बराबर सर। ओके थैंक यू क्या बात है डॉक्टर साहब, आप कहाँ कहाँ से, आप छोटे से गांव से लेकर बड़ी सी यूनिवर्सिटी तक और बड़े से शहरों तक, हर जगह डॉक्टर नागर का जलवा, और हर इंसान को छोटे से लेकर बड़े तक अभी हम देख रहे थे सर, और मैं थोड़ा आपकी इजाजत के साथ प्ले करना चाहूंगा वो, क्योंकि मुझे बड़ा टच किया जिस हिसाब से इतने बड़े दिग्गज कलाकार जो हमारी इंडस्ट्री के हैं, अनिल कपूर जी। तो ये क्या बात है, आपके पास भी वो हमने शायद लिंक भेजी थी, वो वॉइस लिंक। हाँ, राइट, तो अगर आपकी वो, क्योंकि उनकी वॉइस में जो आपकी तरफ रिस्पेक्ट है और जो प्यार है, तो वो दो ऑडियो क्लिप मैं अगर आपकी आपकी परमिशन के साथ मैं प्ले करना चाहूंगा। यस प्यारे इंसान है अनिल कपूर जी, देख
जी है, तो हम मैं अभी सुनाता हूँ हमारी ऑडियंस को, ये जिस हिसाब से आप नोट करिएगा, ये अनिल कपूर, श्री अनिल कपूर जी की खुद की आवाज़ है, और देखें इसमें गहराई से कि कितना वो, कितना आदर और सम्मान है डॉक्टर नागर की तरफ उनका। शुक्रिया अंकित साहब, आपका ये वॉइस नोट सुनकर बड़ी खुशी हुई, और बस आपका आशीर्वाद, आपका प्यार, ये बहुत मेरे लिए, इससे बड़ा इनाम और कुछ नहीं हो सकता कि मैं बहुत बहुत मैं क्या कहूँ आपको, आपके मैसेज सुनकर और आपका वॉइस नोट सुनकर बड़ी खुशी हुई। थैंक यू सो मच एंड आई ट्राई माई बेस्ट टू एंटरटेन द इंडियन ऑडियंस इवन। किस गहराई के साथ इन्होंने बात की है, और कितने एक पॉजिटिव तरीके से, और इनको बेस्ट विशेस है सर हमारी तरफ से, क्योंकि इनकी अब नई सीरीज भी शुरू हो रही है, द हाँ नाइट सर, नाइट मैनेजर। मैनेजर शुरू हो रही है, और ये अनिल जी को मैंने दूसरा मैसेज दिया है कि अनिल जी यू आर द राइट मैनेजर, उनकी नाइट मैनेजर शुरू हो रही है। और इसका भी एक है जो मैं भी पहली बार सुनूंगा सर, आप कहो तो मैं आपकी परमिशन के साथ मैं सुनाना चाहूंगा ऑडियंस को। या बिल्कुल, देखें बहुत बहुत शुक्रिया अंकित साहब, आपका ये वॉइस नोट सुनकर बड़ी खुशी हुई, और बस आपका आशीर्वाद, आपका प्यार, ये बहुत मेरे लिए, इससे बड़ा इनाम और कुछ भी नहीं हो सकता कि मैं बहुत बहुत मैं क्या कहूँ आपको, आपके मैसेज सुनकर और आपका वॉइस नोट सुनकर बड़ी खुशी हुई। थैंक यू सो मच एंड आई ट्राई माई बेस्ट टू एंटरटेन द इंडियन ऑडियंस इवन। थैंक यू पंकज, थैंक यू वेरी मच। ये मुझे इतना अच्छा लगता है सर कि मुझे दोबारा दोबारा सुनने का मन करता है, क्योंकि या इसका जो इनके हाँ भाव है, जो इनके रिस्पेक्ट है आपकी तरफ, और जो जिस तरीके की शिद्दत है इनकी इंडियन ऑडियंस को एंटरटेन करने की, और जैसी एनर्जी इनमें है वैसी एनर्जी हम आप में भी देखते हैं, कि इतना सारा एक्सपीरियंस लेने के बाद, इतने बड़े इतने ऊपर लेवल में पहुंचने के बावजूद आप लोगों में इतना जज्बा है, तो इसको देखकर हमें भी होता है, हम वी फील इंस्पायर्ड, यंगस्टर्स गेट टायर्ड इन फ्रंट ऑफ पीपल लाइक यू एंड अनिल कपूर जी। ये सारी बातें जिसने बोला ना कि शो के अंदर हम जलवा, आपने एक शब्द यूज किया, कुंडली का मलवा हम निकालेंगे तब जाके लोगों को जलवा शब्द महसूस होगा। क्या बात है सर, एक और कॉलर जुड़े हमारे साथ, इनको भी थोड़ी हेल्प कर देते हैं। हाँ तो हेलो, दिस इज खुशियां बेवजह, यू आर लाइव ऑन एयर विथ डॉक्टर पंकज नागर एंड राम, अपना डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ एंड सवाल बताएं प्लीज। नाम है आशाबेन, डेट है 22/10/93 यानी 93, और ट्वेंटी टाइम है टू 9 से, हाँ अक्टूबर 1993, टाइम है 9 से सुबह के 9:15 के बीच। 9 to 9:15 AM। ओके हाँ, और हस्बैंड का नाम है सिंधा भाई, ओके उनका बर्थ ऑफ टाइम 9 से 9:30 के बीच, और डेट है 5/5/91। 5/5/91 एंड उनका बर्थ टाइम है 9 से 9:30 के बीच में, और सुरेंद्र नगर गुजरात से है वो। ओके हाँ, उनकी समस्या है कि उनको शादी को 6 साल हो गए लेकिन अब तक संतान नहीं है, तो प्लीज कोई उपाय बताएं सर। ओके इनके संतान नहीं है सर, 6 साल हो गए शादी को, तो देखिए, आप इनका दोनों की कुंडली मेरे सामने है। आशा बहन, आप तो गुजराती समझते हैं लेकिन ये हमारा इंटरनेशनल शो है, इसलिए हमें हिंदी और इंग्लिश में ही बात करनी पड़ती है, तो आपको हाथ जोड़ के प्रणाम करके मैं अपनी बात की शुरुआत करता हूँ। टेक्निकली अगर दोनों हॉरोस्कोप के अंदर देखा जाए तो मैं सीधी बात करूंगा कि आपके पति देव जो हैं, हमारे भाषा में हिंदू संस्कृति में पति को हम देव बोलते हैं, बरोबर है? यस तो और सरल भाषा के अंदर कोई देव हो गया उसका वो गलत शब्द निकलता है, अर्थ निकलता है, लेकिन पति को तो हम देवी बोलते हैं। तो उस पतिदेव की कुंडली के अंदर स्पर्म काफी डेफिशिएंसी में है, यानी स्पर्म काउंट बोलते हैं वो काफी डेफिशिएंसी में है, और इनकी कुंडली में फेलोपाइन ट्यूब में भी बहुत सारी प्रॉब्लम है। सो वो तो बोथ पीपल हैव सम टेक्निकल इश्यूज सो फार गायनेकोलॉजिकल आई मीन टू से साइंस इज कंसर्न, सो बेटर आई वुड एडवाइस
कि ये जो उनका प्रश्न है वो काफी दिक्कत वाला है, काफी उसकी मुश्किलात हालात है कुंडली के अंदर। बच्चे पैदा होने की जो पॉसिबिलिटीज है वो काफी कमजोर दोनों कुंडलियों के अंदर दिखती है। डॉक्टर भी अभी तक कुछ नहीं कर पाए हैं क्योंकि इसके अंदर संतान का कारक जो गुरु है वो बड़ा मतलब उस नक्षत्र में जाके बैठा है और उस नवमांश के अंदर जाके बैठा है, तो वो गुरु जो है जन्म से ही दोनों का एक शापित अवस्था के अंदर है और गुरु जो है संतान का कारक है। जब तक इस गुरु का उपाय नहीं किया गया तब तक संतान वाली बात मुझे काफी मतलब कमजोर दिखती है और काफी मतलब मुश्किल वाली बात दिखती है। तो इस मुश्किलात हालात से बाहर आने के लिए हम चाहते हैं कि आप या तो मिस्टर राम का सीधा संपर्क कीजिए या हमारा संपर्क कीजिए और ये संतान सुख है इसकी कृपा जल्दी ही जल्दी अपने घर के लाए अंदर लाए और घर का जो माहौल है उसको बेटर इंग्लिश में और बेहतर बनाए। क्योंकि बच्चा जब भगवान का स्वरूप है और बच्चा जब घर के अंदर आता है तो भगवान घर के अंदर आता है और पूरा माहौल बेवजह खुशियों से छा जाता है। क्या बात है डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच डिटेल में। आशा बहन जी, आपका जवाब डॉक्टर साहब ने बड़ा ही डिटेल में दिया है, उसके साथ साथ जो भी चांसेस है वो भी उन्होंने बताए हैं। आप यूट्यूब पे वापस जाकर देख सकते हैं पूरा ही उनका जो डिटेल में उन्होंने जवाब बताया, एंड कमेंट में लिख सकते हैं अगर आपको कोई और सवाल है तो। बट थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल एंड वी डू अप्रिशिएट यू वॉचिंग। और आपने हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं और आपको आपने कॉल किया उसके बदले में आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो जी हाँ, टफ चीज़ें भी होती है डॉक्टर साहब, लेकिन जैसे डॉक्टर होते हैं, आपको डॉक्टर ऐसे तो नहीं कहते क्योंकि डॉक्टर को कभी कभी टफ न्यूज़ भी सुनानी पड़ती है, तो आप उसमें भी आपका एक मैं इस मुझे के अंदर देखा कि उनके हस्बैंड का जो शुक्र है ना वो कैसी नक्षत्र में जाके बैठा है, जहाँ पे हमारी गुजराती भाषा के अंदर बोलते हैं कि भाई शुक्राणुनी कमजोरी छे, इंग्लिश में बोलते स्पर्मेटोरिया, जहाँ पे शुक्राणु अपने आप बह जाते हैं बिना वजह बेवजह बह जाते हैं, तो उसमें काफी कमजोरी बन जाती है और जब शुक्राणु जीवित नहीं रहते हैं तो बच्चा पैदा होने वाली बात नामुमकिन के बरोबर है। काफी काफी मतलब कष्टदायक केस इसको बोलेंगे हम, पीड़ादायक केस उनको बोलेंगे। हमने कहते ही उनको इस शो के दौरान इसीलिए नहीं बताया क्योंकि वैसे नाम तो उनका आशा बहन था मेरे ख्याल से, क्या बोला उन्होंने, तो कुछ ऐसा ही नाम था और हम निराशा में डाल दें तो हमारी शो का जो मर्म है, हमारा जो कर्म है वो मतलब जाके सीधा मतलब खड्डे में गिर जाएगा और हम ये नहीं चाहते हैं कि हमारा शो का एक्सट्रैक्ट खराब हो। करेक्ट, तो हम दुआएं करेंगे, प्रार्थना करेंगे कि उनका अच्छा हो। डेफिनेटली हमारी बेस्ट विशेस है उनके लिए, जो भी शो के साथ जुड़े हुए हैं, जो भी सुन रहे हैं हमें, आपकी लाइफ में कोई भी परेशानी है, कुछ भी प्रॉब्लम्स है, हम दुआ करते हैं उसको कि वो मिनिमाइज हो जाए, आप पे उसका इम्पैक्ट कम रहे, आपकी लाइफ ज़्यादा फ्रूटफुल रहे, हैप्पी रहे, ताकि आप एक आप खुश हो सके। अगर आप खुश हुए तो आप ही आगे खुशियां बांट सकोगे। एक खुश इंसान कभी किसी और को दुखी नहीं करना चाहता, वो हमेशा दूसरों को खुश करना चाहता है। तो हमारी यही उम्मीद है कि हम जैसे कोशिश कर रहे हैं कि आपके चेहरे पे एक मुस्कुराहट आ जाए, वैसे आप भी आगे जाके दो तीन इंसान को खुश कर देंगे, तो इससे बड़ी अचीवमेंट हमारे लिए कोई नहीं होगी। तो बट हमारे साथ आप जुड़ रहे हैं तो थैंक यू सो मच, और जो भी लोग जुड़े हैं, जो भी लोग देख रहे हैं अभी, जितने भी लाइव ऑडियंस है, आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा डॉक्टर साहब की चैनल को। पहले सारा ज्ञान उनका है, हम तो ज्ञान बटोर ने आए यहाँ पर, और जो विद्यार्थी होता है उनको तो गुरु दक्षिणा देनी ही पड़ती है, तो डॉक्टर साहब को तो डेफिनेटली दीजिएगा, और उसके बाद हमारे भी चैनल को करिएगा सब्सक्राइब, क्योंकि पर्पस तो दोनों का एक ही है। डॉक्टर साहब की जो वेबसाइट है उनका नाम भी है एस्ट्रो स्माइल, और हमारी चैनल है उसका नाम है खुशियाँ बेवजह। तो आप कहीं पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आपको डॉक्टर साहब के साथ पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए, जहाँ पर डॉक्टर साहब आपको डिटेल में बता सके चीज़ें, तो वहाँ पर आप रीच आउट कर सकते हैं। और अभी अगर आपको जुड़ना है हमारे साथ तो आप व्हाट्सएप कॉल कर सकते हैं, लेकिन अभी तो
आ भी रही है कॉल, लेकिन टाइम बड़ा ही कम है, 4 ही मिनट रह गए हमारे पास। आज के शो कहाँ चला गया पता भी नहीं चला। अगर आज मिस किया आपने तो अगले थर्सडे को ज्वाइन कीजिएगा हमारे साथ। बहुत गहरी बात की है डॉक्टर साहब ने इसमें, आज हमने मन की बात की है जैसे मोदी साहब करते हैं तो हमने आज मून की बात की है तो डेफिनेटली इसको दोबारा सुनिएगा, और जो जो कॉम्बिनेशन डॉक्टर साहब ने बताए हैं अपनी कुंडली में भी जरा देखिएगा गौर से। तो डॉक्टर साहब जितना भी ज्ञान देते देते हैं उसके हिसाब से आप भी थोड़ा बहुत केपेबल तो हो ही जाते हैं देखने के लिए। तो अगेन थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। आप प्लीज हमारे ऑडियंस को लास्ट वर्ड्स बताएं आज के शो के माध्यम से, एंड देन वी कैन रैप अप द शो। पूरे शो के अंदर हमने बहुत ढेर सारी बातें चंद्रमा के बारे में बताई। तो चंद्र जो एक उपग्रह है, हमारा सब प्लेनेट है, उसके बारे में हम एक मैसेज देंगे कि अगर आपकी कुंडली का चंद्र बलवान है, बाहुबली है, महाबली है, तो आप जिंदगी का जंग बड़ी आसानी से जीत सकते हैं। बस एक छोटा सा मतलब मैसेज या छोटी सी टिप कि जिन लोगों का चंद्रमा कमजोर है, उन जातकों को पूर्णिमा के दिन, यानी जिसको हम पूनम बोलते हैं, फुल मून बोलते हैं, पिंक मून बोलते हैं, ब्लू मून बोलते हैं, उसी मून के दिन, पूर्णिमा के दिन, एक बड़ा मटका पानी का चंद्रमा के प्रकाश के अंदर रखिए। पूरी रात पूर्णिमा के दिन जो आप मटका रखते हैं, उसमें जो पानी है, उसको पूरे महीने तक इस्तेमाल कीजिए। मतलब एक एक कप निकाल के अपने नए मटके में डालिए और उस पानी को ग्रहण करते रहिए, तो आपका मनोबल बढ़ेगा, आपका चंद्र बड़ा महाबली बाहुबली बन जाएगा और अपनी लाइफ को मानसिक तौर पे आप अच्छी तरह जी पाएंगे। क्योंकि आत्मविश्वास बिना का शरीर सिर्फ स्केलेटल है, तो उस स्केलेटल के साथ हम जीना नहीं पसंद करेंगे। अपने आप में बने रहिए, अपने चंद्रमा को बलवान बनाइए और एक अच्छी, बेहतर, बेटर, एक जबरदस्त जिंदगी जी पाए, और वो भी खुशियों के साथ, और वो भी बेवजह। अपने चेहरे पे द एस्ट्रो स्माइल स्माइल लाइए और जिंदगी को बड़ी आसानी से, बड़े आसान तरीके से जिए, ऐसी हमारी शुभकामनाएं, आशीर्वाद और बेस्ट विशेस। सबा खैर, क्या बात है सर, शुक्रिया। थैंक यू डॉक्टर साहब। और आपकी बात पर मुझे एक और गाना याद आया देवानंद जी का, कि मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, वही है चला हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। तो यार थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, जुड़े आप, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका आशीर्वाद लेते हुए धन्यवाद करते हैं आपका। एंड ऑडियंस को बहुत ही हैप्पी वीकेंड, और जो यूएस में उनके लिए हैप्पी फ्राइडे, कल का दिन एंजॉय कीजिएगा, फिर वीकेंड है, लॉन्ग वीकेंड है, जुलाई 4th, उसको भी एंजॉय कीजिएगा। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, बस खुशियों की बोतल तोड़ते रहिए, अपने आप में मस्त रहिए। मस्त रहिए, क्या बात, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब।